नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं दैनिक राशिफल का कार्यक्रम। मैं आचार्य पंकज शास्त्री। दैनिक राशिफल के कार्यक्रम में आज हम चर्चा करेंगे प्रिय दर्शकों 20 जून 2024 की। कैसा रहेगा आपका आज का दिन? मेष राशि से मीन राशि पर्यंत आज आपके लिए शुभ रंग क्या रहेगा? आपकी राशि के अनुसार वो कौन सा उपाय होगा जो रक्षा कवच की तरह आज पूरे दिन भर आपकी रक्षा करने का कार्य करेगा? आज कौन से दिशा में आपको यात्रा करने से बचना है? आज गंडमूल का नक्षत्र भी होगा, इस पर भी आगे चर्चा करेंगे। लेकिन आज के कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं सबसे पहले आज के पंचांग के साथ। 20 जून 2024 आज का शुभ पंचांग प्रिय दर्शकों, शुक्ल पक्ष चल रहा है, त्रयोदशी तिथि के साथ आज भुवन भास्कर उदय होंगे। त्रयोदशी तिथि आज 7:49 तक रहेगी, उसके उपरांत चतुर्दशी तिथि होगी। आज गुरुवार है, बृहस्पतिवार। आज का नक्षत्र अनुराधा होगा, उदय व्यापनी नक्षत्र। शाम को 6:08 तक रहेगा, उसके उपरांत आज ज्येष्ठा नक्षत्र होगा जो कि गंडमूल का नक्षत्र है, और आनंद आदि योगों में आज साध्य योग रहेगा। चंद्रमा आज वृश्चिक राशि में संचरण करेंगे। चंद्रमा की नीच राशि है तो इसका प्रभाव भी 12 राशियों पर पड़ने वाला है। सूर्यदेव मिथुन राशि के अंतर्गत यथावत स्थिति में संचरण करने वाले। आज के राहु काल की बात करें तो प्रिय दर्शकों, आज राहु काल का समय दोपहर 2:07 से लेकर के 3:51 का होगा, दोपहर का। ध्यान रखिएगा, राहु काल में किसी भी नए व शुभ कार्य को शुरू न करें। यदि आपका कार्य चल रहा है तो कार्य चल सकता है, लेकिन नया व्यवसाय, नए कार्य, नया मीटिंग इत्यादि राहु काल में न करें। गोलिक काल का समय आज 8:54 से लेकर के 10:38 का रहेगा। गोलिक काल में यात्राओं से संबंधित कार्य, आपके दिनचर्या से संबंधित कार्य शुभ होते हैं, आप कर सकते हैं। और अभिजीत का शुभ मुहूर्त आज मध्याह्न काल 11:52 से लेकर के 12:49 तक का रहेगा। इस समय अवधि के अंतर्गत आप धार्मिक कार्यों को कर सकते हैं। शुभ व मांगलिक कार्य अभिजीत मुहूर्त में शुभ माने गए। अब बात कर लेते हैं आज के दिशाशूल की भी। प्रिय दर्शकों, आज गुरुवार है और गुरुवार का दक्षिण दिशा का दिशाशूल होता है, यानी आज दक्षिण दिशा में साउथ में आपको यात्रा करने से बचना है। यदि आवश्यक स्थिति में वह किसी विशेष कार्य के अंतर्गत दक्षिण दिशा की ओर यात्रा कर रहे हैं, घर से निकलते समय कुछ कदम ईशान कोण की तरफ चल करके फिर पूर्व दिशा की ओर से चल करके आप दक्षिण दिशा की ओर जाएं तो निश्चित ही आपकी यात्रा शुभ होगी। आज आप ईशान कोण में निसंकोच यात्रा कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं अब राशि फल की, और राशि फल के सिलसिले में सबसे पहली राशि की बात करेंगे, भूचक्र की पहली राशि मेष राशि। मेष राशि वालों, आज आपको स्वास्थ्य को लेकर के विशेष रूप से सतर्क सावधान रहना होगा। हेल्थ में अचानक से गिरावट देखने को मिल सकती है, पेट से संबंधित समस्याएं आपको देखने को मिल सकती हैं, अचानक से चोट आदि का भय भी आपके लिए बनता हुआ नजर आ रहा है। आज के दिन आपके जीवन में अफरा तफरी की स्थिति रह सकती है, हालांकि कार्य क्षेत्र की स्थिति उत्तम बनी हुई है। नौकरी व्यवसाय की स्थिति में अच्छी स्थिति देखने को मिलेगी, पारिवारिक सहयोग देखने को मिलेगा, धन की स्थिति भी मजबूत रहेगी। लेकिन अपनी वाणी को नियंत्रण में रखिएगा, खान पान का आज विशेष रूप से आपको ध्यान रखना होगा। ड्राइव इत्यादि करते हैं, थोड़ा सतर्कता सावधानी जरूर बरतिएगा। आज आपके लिए शुभ रंग रहेगा लेमन। आज के दिन को बेहतर बनाने के लिए आज देवगुरु बृहस्पति की आराधना जरूर करिएगा, निश्चित ही आपको अच्छा लाभ देखने को मिलेगा। वृषभ राशि के जातकों को भी आज के दिन कार्य क्षेत्र में अच्छी स्थिति देखने को मिलेगी, जीवन साथी के सहयोग में विशेष रूप से कमी देखने को मिल सकती है। आज मानसिक रूप से भी आप परेशान रह सकते हैं, अचानक से आने वाली यात्रा या अचानक से आने वाले खर्च आपको परेशान कर सकते हैं। कुछ चुनौतियों के लिए आज के दिन आपको जरूर तैयार रहना होगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए डार्क येलो। आज के दिन को खास बनाएं भगवान भोलेनाथ के पूजन के साथ। आज शिवलिंग पर शहद जरूर चढ़ाएगा, निश्चित ही आपको लाभ होगा। मिथुन राशि, आज के दिन आपको विशेष रूप से फाइनेंस के मामले में दिक्कतें देखने को मिल सकती हैं, कर्ज व लोन आज के दिन आपको परेशान कर सकता है। किसी भी प्रकार के कर्ज को लेने से आज के दिन आपको जरूर बचना है। आज कार्य क्षेत्र में संघर्ष की स्थिति बनती हुई नजर आएगी, आप पाएंगे जितना भागदौड़ आपने किया उस परिश्रम का लाभ कहीं ना कहीं आपको नहीं मिल पाया है। अपने कार्य क्षेत्र में आज आप असंतुष्ट हो सकते हैं, हालांकि आर्थिक स्थिति के मामले में
आज धनागमन की स्थिति शुभ रहेगी। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ओलिव ग्रीन। आज के दिन को खास बनाने के लिए आज लक्ष्मी नारायण मंदिर में जाकर के पीले पुष्प चढ़ाना विशेष लाभ देने का कार्य करेगा। कर्क राशि। कर्क राशि के जातकों को आज विशेष रूप से स्टूडेंट को सतर्क सावधान रहना होगा। प्रेम संबंधों की स्थिति में भी कहीं ना कहीं दिक्कतें देखने को आपको मिल सकती हैं। ब्रेकअप की स्थिति बनती हुई नजर आ रही है। आज यात्रा की स्थिति आपके लिए मजबूत बनेगी। नौकरी में अच्छी स्थिति रहेगी। मध्यकाल तक अचानक से किसी मीटिंग को अटेंड कर सकते हैं और किसी नए प्रोजेक्ट पर भी आज आप कार्य प्रारंभ कर सकते हैं। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पीच। आज के दिन को बेहतर बनाने के लिए आज आप अपने इष्ट देव की आराधना करें तो निश्चित ही आपको लाभ। सिंह राशि। सिंह राशि के जातकों को आज भूमि भवन प्रॉपर्टी से संबंधित विवाद देखने को मिल सकता है। विवाद करने से जरूर आज के दिन आपको बचना होगा। अपने क्रोध पर नियंत्रण लगाने की आवश्यकता आपको पड़ने वाली है। कार्य क्षेत्र में आज व्यस्तताएं रहने वाली। शुभ रंग रहेगा आपके लिए व्हाइट। आज के दिन को बेहतर बनाने के लिए आज कुछ समय ध्यान मेडिटेशन जरूर करिएगा और शिवलिंग पर दूध अर्पण करना आपको विशेष लाभ देने का कार्य करेगा। कन्या राशि। आज आपको पराक्रम में वृद्धि देखने को मिलेगी, लेकिन स्वास्थ्य को लेकर के आज के दिन आपको सतर्क सावधान रहना होगा। स्वास्थ्य में गिरावट देखने को मिल सकती है। हालांकि भाग्य से संबंधित कार्य आपके जरूर बनने वाले हैं। प्रिय दर्शकों, यदि आप कन्या राशि के जातक हैं, आज के दिन आप निर्णय लेने की स्थिति में कमजोर साबित हो सकते हैं, इसलिए कोई विशेष निर्णय लेने जा रहे हैं, सलाह मशवरा करके ही निर्णय लीजिएगा। आज इन्वेस्ट के लिए बहुत उत्तम स्थिति कन्या राशि के जातकों के लिए नहीं है। विदाउट नॉलेज का आज इन्वेस्ट करने से आपको बचना होगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पिंक। दिन को खास बनाने के लिए आज आप लक्ष्मी नारायण मंदिर में खाने पीने की पीली वस्तुओं का दान करें तो निश्चित ही आपको लाभ होगा। तुला राशि। तुला राशि के जातकों को आज पारिवारिक जीवन में मतभेद देखने को मिल सकते हैं। आपका आलस आपके कार्य क्षेत्र में आड़े आ सकता है। अपने आलस पर कंट्रोल रखिएगा। अपने कार्य क्षेत्र में और बिजनेस डील में टालमटोल करने से आज के दिन आपको बचना होगा। धन की स्थिति अच्छी है। स्वास्थ्य का आपको भी ध्यान रखना होगा। खान पान का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पिंक। आज के दिन को बेहतर बनाने के लिए किसी जरूरतमंद की आप सहायता करें तो निश्चित ही आपके लिए अच्छी स्थिति रहे। वृश्चिक राशि के जातकों को आज बिजनेस में अच्छी स्थिति देखने को मिलेगा। लाभप्रद दिन आपके लिए रहेंगे। व्यवसाय में कोई बड़ी डील आपके हाथ आज लग सकती है। जीवन साथी का सहयोग देखने को मिलेगा, लेकिन मानसिक रूप से आज आप स्वयं को प्रिपेयर जरूर करिएगा। कहीं ना कहीं आपके कदम डगमगा सकते हैं। स्वयं के निर्णय पर संदेह आपको हो सकता है, इसको लेकर सावधानी जरूर बरतिएगा। आज शुभ रंग रहेगा आपके लिए लाइट येलो। अपने दिन को खास बनाने के लिए आज आप गंगा जल यदि शिवलिंग पर अर्पण करते हैं तो निश्चित ही आपको मानसिक रूप से लाभ देखने को मिलेगा। धनुराशि। धनुराशि के जातकों को आज अचानक से आए हुए खर्च परेशान कर सकते हैं। कोई व्यर्थ का व्यय कर सकते हैं। शॉर्टकट तरीका यदि अपनाते हैं धन के लिए तो कहीं ना कहीं नुकसान देखने को मिल सकता है। आज के दिन आपको कर्ज देने से जरूर बचना है। किसी से कोई ऋण लिया है, उधार लिया है तो आज उसको चुकाने के लिए बहुत उत्तम स्थिति आपके लिए रहेगी। कार्य क्षेत्र में आज आप उन लोगों को मुंहतोड़ जवाब देंगे जो आपको हर संभव दबाने का प्रयास करते हैं। कार्य क्षेत्र की स्थिति मजबूत है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए क्रीमी। आज के दिन को बेहतर बनाने के लिए आज आपको अपने क्रोध पर नियंत्रण जरूर रखना चाहिए। आज गौ माता को चारा जरूर दीजिएगा, निश्चित ही आपको लाभ देखने को मिलेगा। मकर राशि। लाभ की स्थिति कम है, लेकिन भागदौड़ पूरी होने वाली है। कार्य क्षेत्र में मध्यकाल तक कुछ अच्छी स्थितियां जरूर देखने को मिलेंगी। आज पारिवारिक सहयोग आपके साथ रहेगा, विशेषकर भाइयों का सहयोग आपको देखने को मिल सकता है। प्रेम संबंधों की स्थिति आज सही रहेगी। आज के दिन आप अत्यधिक लोभ में आकर के फालतू का इन्वेस्ट करने से जरूर बचिएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पर्पल। आज के दिन को बेहतर बनाने के लिए आज
गंग गणपते नमः इस मंत्र का जप जरूर करिएगा, निश्चित ही आपको लाभ होगा। कुंभ राशि, कुंभ राशि के जातकों को आज कार्य क्षेत्र में नौकरी व्यवसाय में उठा पटक देखने को मिल सकती है। कार्य क्षेत्र को लेकर के आज परिश्रम करना पड़ेगा, खूब पसीना बहाएंगे, उसके बावजूद भी कार्य क्षेत्र में आशानुकूल परिणाम देखने को कम मिलेंगे। कार्य क्षेत्र में आज जल्दबाजी करने से जरूर बचेगा, पारिवारिक सहयोग रहेगा। आज भूमि भवन से संबंधित कार्य क्षेत्रों में अच्छी सफलता आपको देखने को मिलेगी या कहीं ना कहीं लाभप्रद स्थितियां आपके लिए बनी हुई हैं, लेकिन नौकरी के क्षेत्र में कहीं ना कहीं दिक्कतें रहेंगी। शुभ रंग रहेगा आपके लिए सिल्वर। आज के दिन को बेहतर बनाए आज हनुमान चालीसा का पाठ करना आपके लिए लाभप्रद रहेगा। अब बात करते हैं भचक्र की अंतिम राशि मीन राशि। प्रिय दर्शकों, मीन राशि के आप जातक हैं, आज भाग्य में रुकावटें देखने को मिलेंगी, फलस्वरूप कार्य क्षेत्र में अड़चने और बाधाएं देखने को मिल सकती हैं। कॉन्फिडेंस आज लो हो सकता है, आत्मविश्वास की कमी देखने को मिलेगी। कार्य क्षेत्र में आज के दिन आपको निराशाजनक स्थिति का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि आज बड़े बुजुर्गों का सहयोग आपके साथ रहेगा, स्वास्थ्य आज आपका उत्तम रहेगा। आज के दिन को बेहतर बनाने के लिए आज पीले फलों का दान करना मीन राशि के जातकों को विशेष लाभ देने का कार्य करेगा। और चर्चा आज के विशेष कार्यक्रम की। प्रिय दर्शकों, आज देर शाम 6:09 के बाद ज्येष्ठा नक्षत्र होगा, जो कि गंडमूल का नक्षत्र है। ज्येष्ठा नक्षत्र में जो भी जातक जन्म लेते हैं उन सबको गंडमूल नक्षत्र की शांति जरूर करवानी चाहिए। ज्येष्ठा नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातकों को अनेक प्रकार की दिक्कतें देखने को मिल सकती हैं। इसलिए यदि आज के दिन आपके घर में कोई शिशु का जन्म हो तो गंडमूल नक्षत्र की शांति आपको जरूर करवा लेनी चाहिए। कैसे आपको जानकारी लगी हमें उसे बताएं। जानकारी अच्छी लगे शेयर जरूर करिएगा। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। ज्योतिष से संबंधित तमाम जानकारियों के लिए आप संपर्क कर सकते हैं 8826810020। आज के लिए इतना ही, हमें दें इजाजत, तब तक के लिए नमस्कार।